गुड मॉर्निंग फ्रेंड, स्वागत है आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट साइंस क्लासेस में। अगर आज पहली बार आप मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। आज हम मैथ में बेसिक कॉन्सेप्ट के तौर पर प्रतिशत के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बात करते हैं परसेंटेज प्रतिशत की, तो प्रतिशत पर इन सेंट यानी प्रत्येक 100 में से एक, जैसे 1% की बात करते हैं तो इसको 1% को हम लोग लिख सकते हैं 1/100 या 1%, इस तरह हम लोग लिख सकते हैं। अगर कोई भी अचर राशि जैसे एक्स परसेंट है तो एक्स परसेंट को अगर हम चाहें तो इसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं 1/100। जैसे अगर हम 5% लिखते हैं, 5%, तो 5% का मतलब हुआ 5/100, और जब हम इसको फ्रैक्शन में ले जाएंगे तो 1/20 के रूप में आएगा। यानी हम प्रतिशत को फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि किसी भी परसेंटेज को अगर फ्रैक्शन में चेंज करना हो तो हम कैसे करेंगे। तो यहाँ देख लीजिए, आप लोग परसेंटेज दिया है और इसको हम लोग को फ्रैक्शन में ले जाना है। तो अगर हमको परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना है तो 100 से डिवाइड कर देते हैं। अगर फ्रैक्शन से परसेंटेज में आना है तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और साथ में परसेंटेज का चिन्ह लगा देते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना है, आप लोग इसे चाहे तो कॉपी पर नोट कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम बता देते हैं कि अगर मान लीजिए जैसे अभी हमने लिख दिया 10%, तो 10% का मतलब होता है 10/100। एक जीरो से एक जीरो काटेंगे तो 1/10 हमको फ्रैक्शन मिल गया। अब इस फ्रैक्शन को परसेंटेज में लाना है तो अभी नियम क्या कहता है कि फ्रैक्शन दिया हो तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई करके प्रतिशत का चिन्ह लगा देते हैं। तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 10×1 मल्टीप्लाई कर देंगे तो इक्वल हो जाएगा 10। आप परसेंटेज का चिन्ह लगाना ही है तो परसेंटेज, यानी यहाँ से हम यहाँ पहुँचे और फिर यहाँ से यहाँ पहुँच गए। तो इस तरह से हम लोग किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में या फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज कर लेंगे। इस तरह से कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ को देखते हैं। जैसे नोट में वास्तविक मान सदैव 100 के बराबर होता है। किसी भी चीज़ का अगर वास्तविक मान की बात करते हैं तो वह हमेशा कितना का इक्वल होगा, 100 का इक्वल होगा। ये चीज़ आपको दिमाग में रख लेना है। दूसरा चीज़ कि आप हमेशा प्रतिशत में से सोचें, प्रतिशत की तरह सोचें। यहाँ तरह लिखना था, गलती लिखा गया है, प्रतिशत की तरह सोचें। यह बात आपको अभी समझ में नहीं आएगा, जब हम आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्रतिशत में कैसे सोचना है। यहाँ एक क्वेश्चन दिया हुआ है एग्जाम्पल में। देखिए, चावल का जो मूल्य है, चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि होने के कारण उसका जो वर्तमान भाव है, भाव अर्थात मूल्य है, वह 42 रुपये प्रति केजी है। तो वृद्धि से पहले चावल का जो दाम है वो हम लोग को बताना है। अब यहाँ पे हम लोग प्रतिशत के फॉर्म में सोचेंगे, यानी पहले जो भी रेट होगा वो 100% होगा और उस 100% में 20% की वृद्धि हुई है, यानी 100 और 20 हो जाएगा 120%। यानी अभी जो चीनी का रेट है, सॉरी चावल का जो रेट है, वह 120% पर बिक रहा है और 120% का जो वैल्यू है वह 42 रुपया है। यानी हमको 100% अगर हम निकाल दें तो हमको चावल जो पहले का दाम था वो हम पता चल जाएगा, क्योंकि अभी बिक रहा है 120% पर, 100% पर पहले बिकता होगा। तो 120% का जो वैल्यू है वह है 42 रुपया। तो 100% का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 42 में 120 से डिवाइड कर देंगे और इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देख लीजिए, यहाँ एक जो से एक जो करते हैं, 6 से काटेंगे तो 6×2=12, 7×6=42, 2 से इसको काट देंगे 5 बार में, यानी 7 और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 रुपये हमारे पास आंसर आएगा।
दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं, ताज़े फलों में पानी की मात्रा है 80%। ये समझ लेना है कि अगर हम ताज़ा फल लेते हैं तो उसमें 80% क्या है, पानी है, और सूखे फलों में पानी की मात्रा 20% है। तो 5 क्विंटल ताज़े फलों से कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है। तो अब यहाँ एक चीज़ हम लोग को समझना है कि 5 क्विंटल की बात कर रहा है, तो 5 क्विंटल का मतलब होता है 500 केजी। ये आपको दिमाग में रखना है क्योंकि 1 क्विंटल में 100 केजी होता है, तो 5 क्विंटल में 500 केजी। अब यहाँ पे हम लोग परसेंटेज के तरह सोचेंगे। देखिए 500 केजी टोटल हुआ हमारे पास ताज़ा फल, और इस ताज़े फल में 20% मतलब सूखा है जिसमें पानी नहीं है, 80% क्या है, पानी है। तो यहाँ पे लिखा है ताज़े फलों में 80% पानी है और 5 क्विंटल ताज़ा फल है, तो 5 क्विंटल ताज़ा फल में तो 80% पानी है, तो सूखा कितना होगा, 20%। तो इसलिए 500 केजी का 20% निकालेंगे। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 500 का 20% निकालने के लिए क्या करेंगे, 500 × 20/100 करेंगे और 100 से 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 100 केजी। यानी 500 केजी का 20% है 100 केजी, यानी 20% ही सूखा है क्योंकि 80% क्या है, पानी है। तो अब हमारे पास सूखा फल प्राप्त हो गया है। अब क्वेश्चन के हिसाब से हम क्या करेंगे, कह रहा है कि सूखे फलों कितना सूखा फल हो सकता है। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि यह जो 100 केजी निकला है यह सूखा फल है, लेकिन सूखे फल में 20% ही पानी है, यानी 80% सूखा है, उसमें पानी की मात्रा नहीं है। तो अब हम लोग को ज्ञात करना है कि सूखा फल कितना है, पानी वाला छोड़ के, ये तो पानी वाला है ना, इसमें पानी है, 100 केजी में पानी है, तो कितना सूखा होगा, तो यानी 20% पानी के बाद 80% सूखा होगा। तो अब हम सोचेंगे 80% का जो वैल्यू है 100 केजी के बराबर है, यानी 100 केजी जो हमने पानी सूखा फल निकाला है, ताज़े फल से सूखा फल, अब इस सूखा में भी 80% क्या है, सूखा है और 20% पानी है, तो पानी वाले को छोड़ना है, केवल हम लोग को सूखा प्राप्त हुआ है कि सूखा फल कितना निकला है, तो 100 केजी, तो 100 केजी 80% के बराबर है क्योंकि 20% पानी है, तो 80% के बराबर है 100 केजी। तो 100 केजी का जब हम बराबर करेंगे, 100% के बराबर करेंगे, तो 100/80 कर देंगे और × 100 कर देंगे, तो अब क्या होगा, 1 जीरो से 1 जीरो काटिए और 8 से 2 बार में और ये 4 बार में, इससे 5 बार में, यानी कुल मिला के हम कह सकते हैं कि हमारे पास 125 केजी आंसर आएगा। यानी 500 केजी जो ताज़ा फल है उसमें से 20% निकालेंगे तो सूखा फल प्राप्त हुआ पानी वाला, यानी उसमें पानी है, और उसको 80% मान के इसको फिर 100% का वैल्यू निकालेंगे तो 125 केजी हमारा आंसर आएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं कि तेल के मूल्य में 10% की कमी हो जाने पर इसकी खपत में कितना वृद्धि करे कि खर्च अपरिवर्तित रहे। अब देखिए किसी, ये हमारे निजी जीवन में भी ऐसा होता है कि कभी कभी किसी चीज़ का क्या होता है, दाम कम हो जाता है, तो हम लोग को हो सकता है कि उतना ही पैसा में कितना सामान यूज करना होगा, तो हम लोग को अपने सामान यूज करने में वृद्धि करना होता है। तो वृद्धि के लिए एक फॉर्मूला होता है, वृद्धि बराबर होता है कमी, और किस में हुआ है, मतलब जिस चीज़ में कमी हुआ है उसमें से, उसको तो 100% मानेंगे और उसमें से कमी को माइनस कर देना है और 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज का चिन्ह लगा देना है, जैसे हम लोग यहाँ किए हैं। तो अब देखिए, जैसे तेल का जो रेट है उसमें 10% की कमी हुआ है, तो 10 को हम बना देंगे अंश, यहाँ देख लीजिए 10 को अंश बनाया गया है, और फिर 100 में से 10 तो ऊपर हो गया तो नीचे बच गया 90, यानी 90% बच रहा है, तो 90% का मतलब 90 लिख देंगे, 10 ऊपर 90 नीचे, और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, आप परसेंटेज का चिन्ह लगा देंगे, तो हमको मिलेगा क्या आंसर, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, और कुल मिला के हम अगर हम इसकी बात करें तो 11.1/9% हमारा आंसर आएगा। अगर किन्हीं को यह काटने का विधि समझ में नहीं आ रहा है तो देखिए कैसे काटेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो तो कट गया है,
एक जीरो से एक जीरो कट गया है, अब क्या हुआ, अब 10 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100/9 होगा, और इसको जब हम पूर्णांक में ले जाएंगे तो 11 × 99 होता है, 11 × 99 11 × 99 और 1 जो बचेगा ऊपर हो जाएगा, और यहाँ पे हम लगा देंगे प्रतिशत का चिन्ह। तो इस प्रकार हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व कर दिए। अगला प्रश्न है कि 40% भोजन पर शेष का 50% यातायात पर फिर शेष का कपड़ा पर खर्च कर 2520 रुपये बचाए, तो पूरा आप बताए, यानी कुल मिला के यह क्वेश्चन जो है शॉर्ट में लिखा गया है। कोई व्यक्ति है जो 40% भोजन पर खर्च करता है, अपने कमाई का 40% भोजन पर करता है, फिर जो बचता है उसका 50% यातायात पर खर्च कर देता है, और फिर शेष जो बचता है शेष का कपड़ों पर खर्च कर 2520 रुपया क्या करता है बचा लेता है, शेष का 30% खर्च करता है। यहाँ देख सकते हैं शेष का 30%। तो अब हम लोग को बताना है कि उसका आय कितना था, आय बताना है। तो यहाँ देख लीजिए कि हम मान लेते हैं कि इसका जो आय है वह एक्स है, यहाँ पे एक्स है, तो एक्स का कितना 40% खर्च कर दिया है, तो 60% बचाया है, 100 में से 40 खर्च कर दिया 60% बचाया, तो 60/100 कर देंगे तो यह भिन्न में आ जाएगा, अंक में आ जाएगा, क्योंकि हमको अंक में लाना है, राशि में लाना है। फिर करें कि इसका शेष का 50%, तो 50 100, अब ये जो राशि हुआ 100% हो गया, 100 में 50 खर्च कर देता 50 बचाया है, तो 50/100 ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में रहेगा। फिर शेष का 30% है, तो शेष का जो 30% खर्च किया है तो 70% बचाया है, तो अब इतना बचाने के बाद रुपया में उसको बच गया है 2520 रुपया, यही कहानी है। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो कैसे करेंगे ये हमारा मेथड समझ में आ गया है। अब यहाँ पे देखिए इसको काट दीजिए, 1/2 हो जाएगा, एक जो से एक जो काटिए, ऐसे करते करते कुल मिला के हमारे पास नीचे बचेगा डिनोमिनेटर में 21 और ऊपर बचेगा 25। एक्स का भी वैल्यू निकालना है, सब जाएगा उधर, नीचे का जाकर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2520 में 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ऊपर से जो 21 नीचे जाएगा तो हमारे पास आंसर मिल जाएगा 12,000। यहाँ आप लोग देख सकते हैं। तो इस प्रकार से प्रतिशत के जो प्रश्न होंगे उसको हम लोग आसानी से सॉल्व करेंगे।